नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं गुना से मिल रही खबर के साथ, जहां हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया है, महिला के साथ मारपीट का विरोध किया है। हिंदू संगठनों का ये उग्र आंदोलन देखने को मिला है, जहां थाने का घेराव किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं फतेहगढ़ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग। वो एक और तस्वीर में आप देख रहे हैं एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए कुछ लोगों को। यहां पर फतेहगढ़ थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर यह झगड़ा हुआ, जहां महिला के साथ मारपीट की गई और इसी मामले में हिंदू संगठन का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ, प्रदर्शन किया। रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रमाकांत, हुआ क्या था यहां पर और पुलिस क्या कह रही है? जी अपना, ये पूरा मामला जो है जमीन विवाद को लेकर है, सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़ा हुआ मामला है। ये दीपचंद और राजू खान का परिवार आसपास ही रहते हैं और इनके बीच में लगभग 200 एकड़ के आसपास सरकारी जमीन है, जिस पर राजू खान के परिवार ने अपना कुछ सामान वामान रख दिया था, वहां मवेशी भी बांधता था और इस तरह से वो जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था। उसी जमीन के कुछ हिस्से पर दीपचंद ने भी अपनी बाड़ लगा दी थी, जिसे रोकने के लिए राजू खान और उसके परिजनों ने महिला के साथ और उसके पति के साथ मारपीट की। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बर्बरता से महिला को मारा गया, बाल पकड़कर जमीन पर फेंका गया और उसके पेट पर बैठ के और उसके चेहरे पर चांटे और घूंसे बरसाए गए हैं। जी, इस मामले में पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर क्रॉस FIR की थी, जिससे लेकर हिंदू संगठन उग्र है। उनका कहना यह है कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ FIR क्यों की गई, ये समझ से परे है। जी, तो अब क्या कहना है पुलिस का इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए? पुलिस के आला अधिकारियों तक ये मामला पहुंच गया है और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को तलब किया है और हिंदू संगठनों की मांग है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और उसके बाद ही जांच की जाए, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं पैसे ले देकर मामले को रफा दफा करने की बात भी सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका रमाकांत इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर रायपुर से है, जहां शूटआउट मामले में तीन और गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड से तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड अमनदीप वाल्मीकि उर्फ अम्मू को गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण दास बाजीगर रवि कुमार सेन की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों को लेकर रायपुर पहुंची है पुलिस। कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शूटआउट मामले में तीन और गिरफ्तारियां हुई हैं। झारखंड से ये तीन और गिरफ्तारियां की गई हैं। मास्टरमाइंड जो है अमनदीप वाल्मीकि उर्फ अम्मू, उसे भी पकड़ लिया गया है। लक्ष्मण दास बाजीगर और रवि कुमार सेन को भी गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपियों को लेकर पुलिस रायपुर पहुंची है। कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग करने का यह मामला है, जहां तीन और आरोपी जिनमें से एक मास्टरमाइंड भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रायपुर में शूटआउट मामले में ये तीन और लोग पकड़े गए हैं, जहां कोयला कारोबारी के ऑफिस में फायरिंग करने का मामला था, मास्टरमाइंड भी अब गिरफ्त में है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। युगल, ये तीन और गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ा गया है मास्टरमाइंड भी? ये बिल्कुल, देखिए जो तेरी बांधा शूट आउट मामले में तीन आरोपी है, उसे साइबर की टीम रायपुर लेकर पहुंच चुकी है और वारदात के मुख्य जो सरगना है अमनदीप वाल्मीकि और लक्ष्मण दास, ये बाजीराव राजकुमार साजिद रिमांड पर रायपुर लेकर के पुलिस की टीम है वो पहुंची है। सभी आरोपियों से पूछताछ में पुलिस है जुटी हुई है और कई खुलासे हो सकते हैं। झारखंड से तीन आरोपी जो साथी बदमाश से उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर छह आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की जा चुकी है और किस तरह का ये पूरा रंगदारी वसूली के नाम से दहशत फैला करके जो बोली चलाने का काम किए थे। बकायदा आरोपियों को गाड़ी उपलब्ध, चोरी की गाड़ी दी गई थी, साथ ही साथ उनके अकाउंट में पैसे भी जो ट्रांजेक्शन किए गए थे, तमाम खुलासा है पुलिस पहले भी कर चुकी है
अब आरोपियों से और भी अहम जो सुराग हैं वो निकाले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और अब बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां हिंसा और आगजनी में गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, आरोपी अविनाश धृत लहरे को गिरफ्तार किया गया है। भीम रेजिमेंट बेमित्रा का जिला अध्यक्ष अविनाश। बलौदा बाजार हिंसा में अब तक 171 की गिरफ्तारी हुई है। कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी हुई थी और एक आरोपी अब पकड़ लिया गया है, अविनाश इसका नाम है, उसे गिरफ्तार किया गया है। भीम रेजिमेंट बेमित्रा का जिला अध्यक्ष है अविनाश धृत लहरे। योगेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बलौदा बाजार से फोन लाइन पर। योगेश, अविनाश धृत लहरे को गिरफ्तार किया गया है, क्या भूमिका थी इसकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 10 जून को ही हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है, जिसमें भीम रेजिमेंट के जो जिला अध्यक्ष है बेमेतरा के अविनाश धृत लहरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा वीडियो फुटेज CCTV कैमरे के आधार पर जांच जारी है कि 10 जून को झूमा झटकी, पत्थरबाजी, मारपीट और जो कार्यालय में वाहन खड़ी थे कलेक्टर और SP कार्यालय को आगजनी करना, इसी घटनाक्रम को जांच को देखते हुए आरोपियों की संलिप्तता पाई गई। इसमें भीम आज रेजिमेंट के जो जिलाध्यक्ष बेमित्रा के अविनाश उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक इसमें 171 आरोपियों की जो गिरफ्तारी उस पर की गई है। इसी कड़ी पर इस जो अविनाश इस लहरे भीम आर्मी के रेजिमेंट उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी कई अलग अलग संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। प्रदेश अध्यक्ष को भी इसके गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज बलौदा बाजार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ये भीम रेजिमेंट के जिलाध्यक्ष बेमेतरा के उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही इसी कड़ी में पुलिस की आगे कार्रवाई और मामले में जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अविनाश। राखी का त्योहार, लाडली को उपहार। जी हां, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को अब ज्यादा राशि मिलेगी। मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। लाडली बहनों को 1 तारीख को 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये रकम हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए से अतिरिक्त होगी। रक्षाबंधन से पहले बहनों के खाते में राशि आएगी। जन प्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिस बैठक में CM डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान किया। तो 1 अगस्त को 250 रुपए अलग से मिलेंगे लाडली बहनों को, उनके अकाउंट में रकम आएगी। जन प्रतिनिधि भी लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। लाडली बहनों को जो 1250 रुपए की रकम मिलती है हर महीने, उससे ये अलग से होगी, यानी कि उसमें ना तो इस रकम को एडजस्ट किया जाएगा ना ही उस रकम के ऊपर होगी। ये रकम 250 रुपए की जो है वो अलग से दी जाएगी लाडली बहनों को। 1 अगस्त की तारीख को ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। 1250 रुपए से अलग होगी ये रकम। भोपाल से शैलेंद्र चौहान और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इस खबर के बाद लाडली बहनों के बीच? जी देखिए, बिल्कुल सावन का त्यौहार है, महीना है और साथ ही रक्षाबंधन आने वाला है, तो इन दोनों खुशियों के बीच बहनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 250 रुपये महीना अलग से देने की घोषणा की। जो लाडली बहना को 1250 मिलते हैं वो अलग है, उसके अलावा 250 रुपये खाते में 1 तारीख को राखी मनाने के लिए सबके खाते में जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ कई महिलाएँ भी हैं जो खुश है, उत्साह के साथ हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है 250 रुपये की घोषणा की CM ने? देखिए, आपने देखा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नारी शक्ति की जय करती रही है, नारी शक्ति के विकास की बात करती रहती है और नारी शक्ति के लिए सौगातें लाती रहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कोटिशा धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने लाडली बहना की राशि को राखी के त्यौहार के लिए बढ़ाया और ये जो 250 रुपये की सौगात दी है उसके लिए उनका बार बार मैं नमन करती हूँ। एक महिला होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं का विशेष ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा रखा है और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम और भी बात करते हैं, और भी लाडली बहना है, आप भी क्या लग रहा है 250 रुपये सीधे खाते में आएंगे, किस तरह की खुशी हो रही? ये मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो वर्तमान में प्रदेश में भी है और देश में भी है, माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह जो लाडली बहना योजना प्रारंभ की। कहीं ना कहीं उसका
जो उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, तो उस योजना का लाभ हमारे जो ग्रामीण विकास की महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं रहती हैं, इस योजना का लाभ उन महिलाओं तक बहुत अच्छी तरह पहुंच रहा है। वो अपनी हर छोटी मोटी जरूरतें हैं जो वो 250 रुपए आ रहे हैं सीधे खाते में राखी मनाने के लिए। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। चूँकि जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ऐलान किया था लाडली बहना शुरुआत में कि हम 750 से शुरू करेंगे और उसको 3000 तक के लेके जाएंगे, तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी के कारण वो 250 रुपये अभी रक्षाबंधन में दे रहे हैं। और इसी का, लाडली बहना का एक बहुत बड़ा असर हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि पूरी की पूरी बहुमत लेके पूरी जो सांसदी चुनाव हुआ उसमें सारे के सारे सांसद हमें 250 रुपए मिल रहे हैं अभी राखी मनाने के लिए, भैया का तोहफा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव उनका बहुत आभार व्यक्त है, वो हम बहनाओं को। ठीक है शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश जुड़े हुए इंदौर से हमारे साथ, मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, इस वक्त मेरे साथ भी लाडली बहना है, उनसे ही बातचीत करेंगे। चेहरों पे मुस्कुराहट है क्योंकि भैया ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है राखी के पहले, क्या कहेंगे? लाडली बहना योजना में पहले 1250 रुपये मिल रहे थे जिसका ध्यान मामा जी रखते थे, और अब ध्यान हमारे भैया मोहन यादव जी रख रहे हैं। पहले 1250 मिल रहे थे, अब 250 ज़्यादा मिल गए हैं, तो ये राखी के पहले ही राखी का एक तोहफा है। और इससे ये बहनों का स्वयं का व्यक्तिगत राशि रहती है जिससे वो अपने आत्मनिर्भरता का ध्यान रख सकती है, स्वयं पे खर्च कर सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा तोहफा है जिसे मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे भैया मोहन यादव जी का। और इस राखी में ये जो पैसा अलग से आ रहा, आप क्या करेंगी, क्या खरीदेंगी, और भैया को कुछ गिफ्ट देंगी आप लोग? भैया को हम बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, भैया को हम बहुत सारे प्रार्थनाएं करेंगे कि वो ऐसे ही मेरे साथ साथ सारी बहनों का ऐसे जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, भैया इंदौर आएंगे तो आप सभी बहनें जाएंगे उनका स्वागत करने? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे और उनको तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद देंगे। भैया तो वैसे हर बार आते ही हैं जी, तो इंतजार है भैया के आने का? बिल्कुल इंतजार है, और उनसे प्रत्यक्ष रूप से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने बहनों के विषय में सोचा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जिससे हम सारी बहनें बहुत खुश। मिठाई और राखी दोनों हो गई? बिल्कुल, राखी और मिठाई दोनों होगी, और बहुत उत्साह भी है बहनों में। आप क्या कहेंगी, अब 250 रुपए अलग से मिलेंगे? जी सर, क्या कहेंगे? पहले मामा जी थे, अब मोहन भैया आ गए। मोहन भैया जी, तो क्या कहेंगे भैया के लिए? भैया के लिए बहुत बहुत बधाई। बधाई। अच्छा, ये जो पैसा आपको मिलता है कैसे इस्तेमाल करती हैं अपने लिए? हमारे बच्चों को कुछ भी जरूरत रहती तो हम देते सर जी। अच्छा, ये पैसा जो आप लोगों को मिलता है, लगता है कि अब आप लोगों कहीं ना कहीं से मजबूत बने हैं, ये आपका पैसा है, इस पे आपका अधिकार होता है? हाँ, हमारा अधिकार है, हमारे भैया ने दिया ना सर। हाँ। मोहन भैया जी, मोहन भैया ने। हाँ, तो भैया के लिए क्या कहेंगी? बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा, भैया को आशीर्वाद दे रही है। महिलाएं खुश हैं इस खबर से। मिथिलेश, भोपाल हो या इंदौर हो या फिर मध्य प्रदेश का कोई और शहर, महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है इस खबर के बाद। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं रायपुर में कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी, कल विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस घेराव के दौरान शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। विधानसभा इलाके के स्कूल कल बंद रखे जाएंगे। एक निजी स्कूल में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रायपुर में कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे। ममता लांजेवाल हमारी सहयोगी रायपुर से इसी खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। ममता, कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग कर ली है कल घेराव करने की?
बिल्कुल, देखिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि 25,000 कम से कम लोग जो है वो जुटेंगे और आज इसको लेकर राजीव भवन में बैठक भी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है वो भी शामिल होंगे और एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, चाहे विजय जांगीर की बात करें, चाहे चंदन यादव की बात करें, और इसके साथ ही तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक जो हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता सभी को शामिल होने के लिए कहा गया है। बूथ से लेकर जिले तक के जो है वो सभी पदाधिकारियों को कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो इस प्रोटेस्ट में जुटे और कानून व्यवस्था के साथ ही अगर हम बात करें तो अमानक खाद बीज का जो मसला है उसे उठाने की कांग्रेस जो है वो बात कह रही है। एक तरह से ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि कांग्रेस इसके बहाने जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है क्योंकि आने वाले समय में अभी नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई एक मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस है, तो इसका फायदा आने वाले समय में कितना मिलेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद में 25,000 कार्यकर्ता ममता जुटेंगे, ये दावा है कांग्रेस का, कितने जुटते हैं वो तो कल तस्वीर साफ होगी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत।